टाइम नहीं जाया करें, ये टाइम जाया करने का नहीं है, इस बच्चे का कसूर नहीं है, ये भूखा है। इस वक्त मैं जो है एक घर के अंदर एंटर होने जा रहा हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि घरों के क्या हाल है और कौन जरूरतमंद है। चलते देखते हैं कि जो है क्या किचन के हालात। यहाँ पर जो है ये किचन है मेरे सामने। अब मैं किचन के अंदर जो है एंटर होने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है अभी खाना पकाने के लिए पतीली भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये हम इस वक्त जो है आपको दिखा रहे हैं, ये चीनी का डब्बा है, ये चीनी का डब्बा है, ये भी खाली हो चुका है। और ये तकरीबन जो है ये देखें, ये इस वक्त जो है मुकम्मल तमाम तर राशन जो है मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल आखिरी मरहल पर जो है पत्ती है, ये चीनी है, और ये तमाम राशन जो है तकरीबन यहाँ पर खत्म हो चुका है। और बहुत ज्यादा जो है जी अम्मा राशन कोई नहीं दे रहा, आगे पैसे हैं राशन खरीदने के लिए, कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा घर बैठे, यहाँ पर हम एक घर में मौजूद हैं, ये खवातीन बता रही हैं कि, और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पर राशन खत्म हो चुका है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी खत्म हो चुका है, ये मसाले हैं, ये पत्ती है, ये देखें ये खाली डब्बा, ये नमक है, नमक भी खत्म हो चुका है, तमाम तर मसाले और तमाम तर चीजें जो है। ये एक घर का हाल नहीं है, ये हर घर का हाल है। और जो कमाने वाले हैं वो इस वक्त घर पर मौजूद हैं। और जो है फरहान क्या कहना चाहेंगे ये देख रहे हैं आप। मैं एक बात और इसमें कहना चाहूंगा कि आप इस घर का हाल देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर कई कई फ्लोर्स मौजूद हैं और कई कई फैमिलीज रह रही हैं इस घर के अंदर। ये सिर्फ एक घराने की हालत नहीं है, तकरीबन यहाँ पे 200-300 फैमिलीज इस मोहल्ले में रहती हैं। और सबकी यही तकरीबन हालात है कि डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, वो लोग हैं जो रोज़ाना का कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, और आज उनके घर में हालत यूँ हुई भी है कि उनके घर में राशन नहीं है, उनके घर में पैसे ख़त्म हो गए, वो ख़रीद नहीं सकते राशन। तो उन तमाम लोगों से जो NGOs हैं, जो फलाई इदारे हैं, या जो हुकूमत के हवाले से काम करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि खुदारा इन एरियाज़ में भी आके देखें और काम करें, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़रूरत है। हमारे वज़ीर आज़म साहब एहसास प्रोग्राम का जो ऐलान कर रहे हैं राशन का, वज़ीर आला सिंह साहब जो है ऐलान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हर घर में जो है पहले वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई तो भाई राशन तो है ही नहीं। आप आए, कुछ फलाई इदारे हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए ही इस वजह से हैं कि रहमतिया कॉलोनी है, आप अगर खुद नहीं आ सकते तो रहमतिया कॉलोनी मौजूद है, हमारे पास नहीं है, हमें राशन नहीं चाहिए। आप रहमतिया कॉलोनी 13D2 में मालूम करें, वहां पर खुद वेरीफाई करें, खुद देखें। और इन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड कहीं जमा नहीं किया, कहीं जमा नहीं किया। आप शनाख्ती कार्ड लें, उसको सिस्टम में डालें, और पता चल जाएगा आपको कि इनके पास राशन नहीं है, खत्म हो चुका है। इनका बेटा घर पे बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है, छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं फरहान यहाँ पर बात करूंगा, इस बच्चे का क्या कसूर है, दूध नहीं पी सकता, बाप घर बाप जाएगा तो कमा के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये देखें कि ये किस तरह से ये गुजा के लिए क्या चीज जरूरत है, इनको दूध की जरूरत है, घर वालों को खाने की जरूरत है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग जो है परेशान हुए हैं। खुदारा आप लोग आए, कमेटी काम करें, और इस वक्त अर्जेंट की जरूरत है, इस वक्त यहाँ पे बहुत अर्जेंट तरीके से काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर सैलानी को, मैं यहाँ पर अलखिदमत को, मैं यहाँ पर JDC को, जिस टीम ने इस वक्त राशन बांटने का
सिलसिला शुरू किया है और जिनके पास ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप रहमतिया कॉलोनी आइए 32 में, यहाँ पर खुद वेरीफाई करें, हमें एक राशन का एक लुकमा एक टुकड़ा ना दें, आप इन लोगों में यहाँ पर आबादी में बांट दें, खुद वेरीफाई करके आबादी में बांट दो। टाइम नहीं जाया करें, ये टाइम जाया करने का नहीं है, इस बच्चे का कसूर नहीं है, ये भूखा है। मैं एक सोशल मीडिया पे काम करने वाला इंसान, एक फलाई इदारे के साथ और ग्रीन सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग सिर्फ जो है घरों पर जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, इनको जो भी राशन मिल रहा है वो खामोशी से वो राशन दे देते हैं। मदद करें, गरीबों की मदद करें, हमारी मदद ना करें, गरीबों की मदद करें।